Hello everyone and a very warm welcome to Siksha guys. So we are here with another lecture for industrial relations and labor law and collective bargaining ka topic karenge. Very very important topic for your industrial relations. Collective bargaining mein ye part 1 rahega. Okay, we will be doing it in parts. So जो भी पार्ट्स वाला स्पेसिफिकली वीडियोस होती है ना तभी हम यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लिखते हैं. उसमें तो हमेशा ये रूल फॉलो करना है कि अगर पार्ट 2 है वीडियो का, आपने पहली बार चैनल पे आए हो या पहली बार वीडियो खोल रहे हो एंड यू सी पार्ट 2, सो उसको रोक दो, पॉज कर दो, छोड़ दो. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो पार्ट्स के अंदर चलेंगे तो बेटर रहेगा. ऑलराइट, एंड दीज आर द कोर्सेज गाइज. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप का कॉम्बो कोर्स है जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं. ठीक है, इस कॉम्बो कोर्स के अंदर ना एक और एडिशन ये भी है कि इसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाती हैं जो भी यूट्यूब लेक्चर की है. आप पीडीएफ फाइल्स अलग से भी एक्सेस कर सकते हो विदाउट गेटिंग दिस कोर्स. ठीक है, बट अगर आप ये कोर्स लेते हो तो पीडीएफ फाइल्स आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. एंड करंटली वी आर ऑल्सो गिविंग 50% ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ अगर आप कोड यूज करते हैं. ओके, बहुत लो प्राइसेस के अंदर ये कोर्सेज रखे गए हैं. ऑलराइट, सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर देम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कंसेप्ट्स देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के, फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो ये हमारा जो एजेंडा है वो रहेगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो दोस्तों ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टर्म है ना, ये ओरिजिनेट हुई थी इन द राइटिंग्स ऑफ सिडनी एंड बेट्रेस वेब. ठीक है, हम ये पहले भी इन दो महान लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं जब हम थ्योरीज करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्हीं की देन है, इन्होंने ही पहली बार ये टर्म को यूज किया था. बेसिकली ये हिस्टोरियंस रहे हैं ब्रिटिश लेबर मूवमेंट में एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट आया था. कलेक्टिव बार्गेनिंग ना एक बाई पार्टिज्म का कल्चर इस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया एक टेबल पे इंप्लॉयर और वर्कर को दोनों को बिठाओ एंड दोनों के बीच में बातचीत हो. ठीक है, इंप्लॉयर अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, वर्कर अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा और दोनों कलेक्टिवली एक म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर आए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि यहां पर इंप्लॉयर और वर्कर कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर इंप्लॉयर और वर्कर कभी भी ये अज्यूम करके नहीं बैठते कि यार जो मैं चाहता हूं बस वो हो. कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने ये अज्यूम करके बैठना है कि हां जी वी आर रेडी टू गिव एंड टेक. ठीक है, कुछ हम देंगे कुछ हमें मिलेगा. ऑलराइट, तो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल मेथड है ताकि जो भी इकोनॉमिक या टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उसको वर्कर एम्प्लॉयर्स मिल करके डील कर सके. तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल पीस को एस्टैब्लिश करेगा. ठीक है, कंप्लीट डिसरप्शन नहीं लेकर के आएगा. अब आप स्ट्राइक पे चले जाओ वो क्या है, वो डिसरप्शन है. ठीक है, आप मार्क्सिस्ट के ऊपर चले जाओ, आप ब्लड रेवोल्यूशन के ऊपर चले जाओ, वर्कर कहे हम तो खून खराबा करके अपना हक लेंगे, वो क्या डिसरप्शन है. इंप्लॉयर कहे मैं तो ताले लगा करके जा रहा हूं, मरने दो वर्करों को, वो क्या डिसरप्शन है. लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग इस डिसरप्शन की बात नहीं कर रहा, वो कहता है कि नहीं यार पीसफुल तरीके से काम करेंगे. ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस इसके अंदर हम देखेंगे ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले. और ये डायरेक्टली कई बार ना वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भैया विच अमंग द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर क्वेश्चन बोल दूं दैट विच अमंग द फॉलोइंग या हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ सोशल कंट्रोल टेक्निक. ठीक है जी, कि किसने कलेक्टिव बार्गेनिंग को सोशल कंट्रोल टेक्निक बताया. ऑप्शन ए स्टीवेंस, ऑप्शन बी एलन फ्लिंडर्स, ऑप्शन सी डेब्रिन, ऑप्शन डी में आप डाल दो बेट्रिस वेब. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की टर्म जो ओरिजिनेट हुई है किसने की है. ऑप्शंस अगेन चार दे देंगे आपको. तो सबसे पहले तो स्टीवेंस भाई साहब क्या कहते हैं कि एक सोशल कंट्रोल टेक्निक है. ठीक है, देखो एक पावर रिलेशनशिप है इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में जिसकी वजह से सारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है. ठीक है, पावर रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में. तो बेसिकली ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मेथड है ना, ये एक सोशल कंट्रोल टेक्निक है जिससे इस पावर रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके. उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोफेसर एलन फ्लिंडर्स.
ये क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये तो एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म है। अगेन ये इकोनॉमी इसको ठीक करने के लिए नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रेजोल्यूशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिससे जो इंप्लॉयर है वो चाहते हैं कि हाँ जी अब वर्कर्स को थोड़ा दे दो ताकि हमारी जो पॉलिटिकल पावर है वो बनी रहे। ओके, दूसरी तरफ डबिंग कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग तो भैया ये ग्रेटेस्ट सोशल इन्वेंशन है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई कि अब एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन गया जिससे आप इंडस्ट्रियल कंफ्लिक्ट को डील कर सकते हो। देन देयर वाज अ कमीशन कॉल्ड डोनोवन कमीशन, ठीक है, ये क्या बोलता है, अ राइट विच इज और शुड बी प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी वर्कर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये बोलता है कि ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ना, ठीक है, ये क्या है, ये हर वर्कर का राइट है, ठीक है, ये हर वर्कर का राइट है जो उसे हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मिलना ही चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं ना, तो तीन कंसेप्ट मेरे पास आते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट, गवर्नमेंटल कंसेप्ट, मैनेजीरियल कंसेप्ट। बेसिकली ये कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि किस कंसेप्ट के अंदर हम किस चीज की बार्गेनिंग कर रहे हैं एक तरीके से, या क्या मैकेनिज्म है बार्गेनिंग का। जो मार्केटिंग कंसेप्ट है सबसे पहले वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को किस तरीके से व्यू करता है, वो कहता है जी जो लेबर है ना, ठीक है, आप उसको खरीद बेच सकते हो मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर आप लेबर को खरीद बेच सकते हो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इसके लिए क्या हो गया, एक इकोनॉमिक या एक्सचेंज रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, अब आप मार्केट में जाओ, आपको लेबर की जरूरत है, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, आप एक बंदे के साथ बैठते हो, हाँ भाई मेरे को बंदे चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, अब आप उसको टेबल पे बिठाओगे, हाँ काम करेगा, वो कहेगा करेंगे, हाँ जी कितने पैसे लेगा, आपको हो गया 100 रुपए दूंगा, ठीक है, वो कहेगा नहीं 200 लूंगा, आपको हो गया नहीं जी मैं तो 150 दे दूंगा मैक्सिमम, वो कहेगा नहीं जी 180 से तो कम में बात ही नहीं है, आपको हो गया चल ठीक है ना तेरी ना मेरी 160 दे दूंगा। तो ये क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ही तो हो रही है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो कि भाई कितनी तेरे को तनख्वाह मिलेगी, कितने तेरे घंटे होंगे काम करने के, क्या तेरे फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे, जो बेसिकली एक इंप्लॉयर या ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव या इंडिविजुअल मेंबर्स सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये तो एक इकोनॉमिक या एक्सचेंज रिलेशनशिप हो गया जहां पर आप जो वर्किंग कंडीशन है एक तरीके से उनको डिफाइन कर रहे हो। गवर्नमेंटल कंसेप्ट क्या कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, गवर्नमेंट कंसेप्ट कहता है कि जी हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और रूल मेकिंग प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। अब बेसिकली सरकार ने अगर कोड बना दिए या सरकार के जो कानून है, ठीक है, वो वेरियस रूल्स दे देंगे, वो वेरियस पॉलिसीज उन्होंने बना दी, अब ये रूल्स के हिसाब से ही तो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन की जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। सो वो क्या कंसेप्ट हो गया आपका, गवर्नमेंटल कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल और पावर रिलेशन आ गया क्योंकि सरकार इन्वॉल्व हो गई। तीसरा आ जाता है मैनेजीरियल कंसेप्ट। मैनेजीरियल कंसेप्ट क्या है, मैनेजीरियल कंसेप्ट में एक मैनेजर अपने इंप्लॉयज को बुलाएगा, कहेगा आकर के हमारे साथ में बैठो और वो मैटर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो हम दोनों के इंटरेस्ट के लिए वाइटल है। फॉर एग्जांपल बोनस देने की अगर बात करनी है, दोनों एक टेबल पे बैठ करके डिस्कस कर लेंगे। अब इसके अंदर ना तो मार्केट कंसेप्ट है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बट जो मैनेजमेंट है इट इज कंसिडरिंग कि हाँ यार ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गुड के लिए है कि वर्कर्स जो है उसको हम पार्टिसिपेट कराएं। तो ये आपके तीन कंसेप्ट हो गए, मार्केट, गवर्नमेंट, मैनेजीरियल। नेक्स्ट आ जाता है जी फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम जॉन ड्यूनलॉप एंड डेरेक बॉक के फंक्शंस को देखेंगे इन्हीं में से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और बाकी के जो लोगों ने फंक्शंस डिफाइन किए हैं वो मोर और लेस यहीं पर है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो बोलता है कि रूल्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे वर्क प्लेस में। अब देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉई को या वर्कर को साथ में बिठाया और रूल्स बनाए। तो जब वर्कर साथ में बैठा था और उससे पूछ करके, उससे बात करके, उसको बता करके रूल्स बनाए हैं कि हाँ भाई ये रूल ठीक है, उसने कहा ठीक है बना दो, तो बना दिया। अब जब कलेक्टिव बार्गेनिंग से, वर्कर की इन्वॉल्वमेंट से कोई रूल बनाए ना, तो वो उस रूल को ब्रेक नहीं करेगा, और अगर ब्रेक भी करेगा तो कल को वो ये विद्रोह नहीं करेगा जी ये तो रूल बेकार है, इंप्लॉयर कहेगा तुमने ही तो बनाया था, तेरे साथ ही तो बैठ के बनाया था, बेकार कैसे हुआ, ठीक है। डिटरमाइनिंग द कंपनसेशन, ठीक है जी, फॉर्म ऑफ कंपनसेशन कि किस फॉर्म में कंपनसेशन दिया जाएगा इंप्लॉइज को, ठीक है, कंपनसेशन को स्टैंडर्डाइज करना, प्रायोरिटीज क्या होंगी,
मशीनरी को रीडिजाइन करने की जरूरत है या नहीं है। अगेन जब आप सारी चीजों के अंदर बात कर रहे हो वर्कर्स के साथ तो कंफ्लिक्ट के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जब हम टर्म यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर, तो उससे क्या हो गया कि कैसे हम रेगुलराइज कर सकते हैं जो मैनेजमेंट और वर्कर का इंटरेक्शन है उसको रेगुलराइज कैसे करना है, उसके अंदर पैटर्न क्या फॉलो होगा। तो जो भी बार्गेनिंग स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो बेसिकली स्ट्रक्चर फॉलो होता है, बार्गेनिंग लेवल, बार्गेनिंग यूनिट्स, बार्गेनिंग फॉर्म्स एंड बार्गेनिंग स्कोप समझते हैं। सबसे पहले बार्गेनिंग लेवल एंड बार्गेनिंग यूनिट। तो बार्गेनिंग लेवल क्या है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, कंपनी, प्लांट या सब प्लांट बेसिस के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल लेवल के ऊपर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई बार्गेनिंग के लिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आ गई, या कंपनी लेवल के ऊपर आ गई। बार्गेनिंग यूनिट दूसरी तरफ क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज होता है, ये छोटा ग्रुप होता है, बार्गेनिंग लेवल इज कंपैरेटिवली बिगर। ठीक है, नाउ अब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो भी मैनुअल वर्कर्स हैं, ओके, दे मे बी कवर्ड बाय द सेम कलेक्टिव एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होगा कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं मैनुअल वर्कर्स की और वो अपना अलग अलग सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली ऐसे एग्रीमेंट भी हो सकते हैं जो मैनुअल या नॉन मैनुअल इंप्लॉइज के हैं। तो बार्गेनिंग लेवल एंड बार्गेनिंग यूनिट के अंदर बेसिकली क्या हो गया, बार्गेनिंग लेवल तो वाइडर स्कोप है कि हाँ भाई आपने अगर एक स्टील इंडस्ट्री पकड़ ली तो वो स्टील इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स के बिहाफ पे बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका जो बार्गेनिंग यूनिट हो गया वो इंडिविजुअल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेगा। बार्गेनिंग फॉर्म, बार्गेनिंग फॉर्म क्या बोलता है कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो रिटन या फॉर्मल हो सकते हैं या फिर अनरिटन और इनफॉर्मल हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जो भी डीलिंग है ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स और इंप्लॉयर्स की है। बार्गेनिंग स्कोप क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर नेगोशिएशन के अंदर सब्जेक्ट्स क्या कवर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। देन फाइनली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो यहां पर हमारे पास दो टाइप्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग ऐसा बोलता है जहां पर प्योर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्योर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या बोलते हैं, जहां पर विन और लूज की सिचुएशन बनेगी कि भैया एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ प्योर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि एक टीम जीतेगी तो दूसरी टीम हारेगी, वहां पर आप दोनों टीमों को नहीं जिता सकते। ठीक है, और अब तो जैसे पहले तो मैच ड्रॉ हो जाते थे 2020 के, अब वो मैच भी नहीं ड्रॉ होते, कहते विनर तो चाहिए ही चाहिए, सुपर ओवर करो। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्योर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। वैसे ही इंडस्ट्री के अंदर भी फिक्स्ड सम ऑफ रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों पार्टीज को खुश कर दो इस सिचुएशन के अंदर। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग जो है, जो रिलेशनशिप बनेगा वर्कर और इंप्लॉयर के बीच में, वो एक फोर्स्ड रिलेशनशिप होगा क्योंकि एक पार्टी के गोल की अटेनमेंट में दूसरी पार्टी का नुकसान होना ही होना है। तो जो भी पार्टी है वो अपनी करोसिव पावर को यूज करने की कोशिश करेगी ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सके। वेज बार्गेनिंग फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव या कंजंक्टिव बार्गेनिंग का एग्जाम्पल है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को हम कंजंक्टिव बार्गेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वेज बार्गेनिंग में अगर अब इंप्लॉयर वर्कर की बात मान जाता है तो उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, उसका घाटा। अगर इंप्लॉई जो है, वर्कर जो है, वो इंप्लॉयर की बात मान जाते हैं कि भैया हम नहीं देंगे, तो वो वर्कर का घाटा। तो बेसिकली तो यहां पे वो वाला केस बनता है, जेठालाल वाला और नट्टू काका वाला। बेसिकली ये कुछ लेना देना नहीं है इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन से। अगर वो एक शो आता ना तारक मेहता, अगर आप वो देखते हो, तो उसमें बेसिकली क्या है, अब ये नट्टू काका इंप्लॉई है जेठालाल के पास, हर टाइम सैलरी बढ़ाओ बोलता रहता है। जेठालाल कहता है चलो देखेंगे। तो क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वाली सिचुएशन है, ठीक है, कंजंक्टिव बार्गेनिंग वाली सिचुएशन है, विन और लूज वाली सिचुएशन है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दोनों पार्टीज का फायदा होगा।
ठीक है, एक पार्टी तब तक नहीं गेन करेगी जब तक दूसरी पार्टी का भी कोई ना कोई फायदा ना हो। ठीक है जी, तो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट या कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट की बात करती है, तो विन विन सिचुएशन यहां पर रहेगी। अब यहां पर प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग बेसिकली एक इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का एग्जाम्पल है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या हो गया, जहां पर इंप्लॉई एग्री करते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन है हम उसको इंप्रूव करेंगे, और उसके रिटर्न में इंप्लॉयर जो है वो कुछ ना कुछ वर्कर्स को देगा, फॉर एग्जांपल बेटर सैलरी या बेटर वर्क एनवायरनमेंट। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग हो गया, दोनों का फायदा है, क्योंकि वर्कर को क्या मिल रहा है, उसको इंक्रीज सैलरी मिल जाएगी फॉर एग्जांपल, और इंप्लॉयर को क्या मिल जाएगा, उसकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगी। तो विन विन सिचुएशन यहां पर आपकी बन जाती है। अब देखो यहां पर अगर वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मैं एक क्वेश्चन आपको बना करके दिखाता हूं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर वन, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग is also called conjunctive bargaining, statement number one हो गई। statement number two, distributive bargaining is a win-win situation, ठीक है। option three, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज अ विन विन सिचुएशन। ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर दे दिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको यहां पर, 1, 2, 3, बी 1 एंड 2, सी 3 ओनली, एंड डी फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दिया 1 ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि कंजंक्टिव बार्गेनिंग किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव को। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या है, विन लूज है, और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है विन विन, तो आंसर सी होना है यहां पर, ठीक है। इस तरीके से वो पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस ना, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, वो सारे हम एमसीक्यू कोर्स के अंदर कवर करते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, सो इसके साथ हम पार्ट वन को एंड करेंगे, एंड आगे की कलेक्टिव बार्गेनिंग पार्ट टू के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, मेल में आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड गाइस, जितना हो सके ना चैनल को शेयर करने की जरूर कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, है ना। जितना ज्यादा आप हेल्प करोगे उतना ज्यादा हम बेटर वे में काम कर पाएंगे, ठीक है, उतने ज्यादा रिसोर्सेज हम अरेंज कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड बाय।